लहसुन वाला दूध क्यों लें, क्या फ़ायदे हैं इसके और किस रोगों में इसको लिया जा सकता है, क्यों लिया जा सकता है। आज की वीडियो, लहसुन में आयोडीन है, गंधक है, क्लोरीन है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, लोहा है, विटामिन सी बी है और ये काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसमें एक एलेसिन नाम का एक तत्व होता है जिसके कारण ये कामयाब भी है और इसमें दुर्गंध भी आती है, जिस वजह से लोग इसे नहीं खाते। लहसुन के खाने से आपके शरीर में इम्यूनिटी बूस्ट होती है। आप लहसुन का दूध बनाएं, और दूध कैसे बनाएंगे आप, एक गिलास दूध, उसमें एक चौथाई गिलास पानी और 3 से 4-5 कलियां आप लहसुन की थोड़ा तोड़ करके उसमें डाल दें और अच्छी तरीके से उसे बॉईल करें। जब पानी उड़ जाए, दूध बाकी रह जाए और आपका लहसुन पक जाए इसके अंदर, तब तक इसको उबालें और उबालने के बाद इसको आप गैस से नीचे उतारें, कुछ ठंडा होने दें और फिर इसको लहसुन निकाल करके कलियां अलग खाएं और दूध ऊपर से पिए, दूध पिए। आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा, लेकिन शुरू में दिक्कत ये होती है कि गंध आती है हल्की हल्की सी, और वो 2 या 3 दिन में ही आपको आदत पड़ जाती है। इसके लेने से आपको बेहतरीन लाभ मिलते हैं, दिल आपका हेल्दी बनता है क्योंकि इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने की पावर है और बीपी को भी ये नॉर्मल कर देता बिना किसी मेडिसिन के। इसे लोग बाग लॉन्गेविटी के लिए भी लेते हैं। एथलीट्स जो जितने हैं वो अपनी पावर बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं और हमने भी इसका थकान उतारने के लिए प्रयोग करते हैं। हड्डियों के लिए लहसुन का दूध पका करके लेने से सर्वोत्तम औषधि का काम करता है। ये एक बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा हूँ, आप इसको करके देखिएगा, इसके बहुत लाभ मिलते हैं। आपकी हड्डियों के आगे जो कार्टिलेज है ये बहुत मजबूत हो जाती है और पुरुषों की शक्ति के लिए भी ये बहुत ही रामबाण कार्य करती है। इससे पेट के कीड़े मरते हैं, यकृत ठीक रहता है, रक्त विकार दूर होता है, अक्षय रोग ठीक हो जाता है, छाती में बना हुआ बलगम बाहर निकल जाता है, दमा और बहरापन में भी ये बहुत अच्छा काम करता है, शारीरिक शक्ति पुरुष शक्ति को बढ़ाने का काम, शारीरिक शक्ति बढ़ाने का काम इसका है। हाँ, इसकी तासीर गर्म जरूर है, आप इसको गर्मी में ना लें, आप इसको बरसात और सर्दियों में लें क्योंकि ये वातनाशक है, बरसात और सर्दियों में वात का पूरा प्रकोप रहता है। इसमें आप पसली का अगर दर्द है तो आपको ये लहसुन का दूध आपको बहुत कामयाब रहेगा। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, आप लहसुन खा करके देखिए, ये फिर लगेगा कि हाँ ये वीडियो लाभप्रद भी है, तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे ये बताना जरूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको ठीक लगी है या नहीं। धन्यवाद, नमस्कार।